नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज हम अपने थोड़ी सी तेल की, जो बादाम का तेल होता है उसकी जानकारी देंगे। बादाम का तेल, इसको कैसे यूज कर सकते हैं? बादाम के तेल को हम दूध में डाल कर भी पी सकते हैं, 4 बूंद और 1 गिलास दूध में डाल कर रात को सोते समय पी सकते हैं। और बादाम के तेल को हम 2-2 बूंद सोने से पहले रात को नाक में भी डाल सकते हैं। नाक में डालने से जो जिन भाइयों को माइग्रेन रहता है, सर्वाइकल रहता है, उसमें काफी सारे लाभ दिखे हैं, आराम लग गया कई भाइयों को बादाम के तेल से, ठीक है ना। तो इसको दूध में डाल के भी ले सकते हैं और नाक में डाल के ले सकते हैं, स्किन का भी लगा सकते हैं दोस्तों। प्योर गुरबंदी बादाम का तेल शुद्ध होना चाहिए, तभी वो लाभ दे पाएगा। ये हमारा बादाम का तेल है जिसकी मैं थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। ये साथियों हमारी, देखो पहले हमारी ये आती थी 100 ml की पैकिंग, 100 ml प्योर बादाम का तेल है ये। अभी हमने लॉन्च करी है अपनी 200 ml की, 200 ml की ये लॉन्च करी है अभी, ठीक है ना। इसके बाद ये है हमारा पीली सरसों का तेल। पीली सरसों का तेल भी बहुत बढ़िया है हार्ट के लिए, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो पीली सरसों का तेल यूज करें, ठीक है ना। आजकल मार्केट में पता नहीं कितने सारे ऑयल आए हुए हैं, लेकिन पीली सरसों का सबसे बेस्ट है, पहले नंबर पे हेल्थ के मामले में। उसके बाद हमारा है ये तिल का, ये हमारी देखिए ये 250 ml की है और ये 500 ml की बोतल है। ये भी हमारा शुद्ध, जो प्योर ऑर्गेनिक तिल होता है ना, भूरे रंग का तिल होता है, जो उस तिल का ये तेल निकाला हुआ है। इसको आप खाने में भी यूज कर सकते हो, खाना पकाने में भी यूज कर सकते हो। जिनको गठिया बाह है या घुटनों में दर्द है या कमजोरी के कारण कमर में दर्द है, झुकने में, चलने में, उठने बैठने में, वो इस तिल के तेल का जरूर सेवन करें। खाने में भी यूज कर सकते हैं और डाइट में जैसे हलवा वगैरह भी खा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके ऊपर कसरत जरूरी है। तो कोई भी नेचुरल डाइट खाओ, हुआ प्योर होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, बिना मिलावट के होनी चाहिए, तभी वो अपना पूरा लाभ दे पाएगी। तो हमारी यही कोशिश है, मेरे सभी साथी स्वस्थ आहार का सेवन करें, नियमित रूप से कसरत करें। हमारा लक्ष्य स्वस्थ भारत। जय हिंद, जय भारत।